तो दोस्तों ये है मेरे मिनोक्सिजिल का नया डब्बा जो कि 120 ml का है। आप लोग देख सकते हो इसका रेट मैं आपको दिखा दूं तो इस पे MRP लिखा हुआ है 1375 रुपये, जो कि ये मुझे 1170 रुपये का पड़ गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले मैं 60 ml यूज करता था, जो कि आपको मैं दिखा दूं इसका MRP 827 रुपये है और ये लगभग मुझे 760 या 70 का पड़ा हुआ था। ये 60 ml का था जो कि एक महीना 10 दिन 15 दिन चल जाता था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 120 ml का है। मैंने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि 760 रुपये, 760 रुपये अगर मैं दो डब्बे लेता तो आप लोग को पता है कि 1570 कुछ हो जाता, और ये मुझे 120 ml का 1170 रुपये का पड़ गया, तो काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया ये 120 ml का। तो पहले मैं इसको यूज करता था 60 ml, अब मैं यूज करूँगा 120 ml, तो देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट रहता है। बाकी इसका रिज़ल्ट तो काफ़ी तगड़ा था, बाकी दोनों सेम ही ब्रांड के हैं। ये 60 ml है, ये 120 ml का है। ये आपको 760 रुपये का पड़ गया था और ये 1170 रुपये का पड़ गया था। तो अगर आप लोग नए हो तो आप लोग 760 रुपये का ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन अगर शुरुआत करना हो तो पहले आप लोग इसको लगा के ट्राई कर लेना कि ये इसका कैसा रिज़ल्ट है, आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। बाद में आप लोग 120 ml का ले सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदे हो जा रहा है। इसमें 300-400 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मतलब फ़ायदे हो जा रहे हैं 120 ml का लेने से। बाकी आप चाहो तो 120 ml का भी ले सकते हो अगर आपके पास बजट उतना हो तो। बाकी आप लोग देख सकते हो इसका MRP 1375 रुपये है और इसका समथिंग 827 रुपये था, 827 रुपये है। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था, बाकी ये ख़त्म हो चुका है तो ये काफ़ी गंदा दिख रहा होगा आपको। बाकी कल ही ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था तो कल ही ये आ गया था और आज ये मेरा ख़त्म भी हो गया, तो ये अच्छा रहा कि ये टाइम पर आ गया। तो आज मैं इसी को लगाऊंगा। बाकी आप लोग कौन सा मिनोक्सिडिल यूज करते हो मुझे कमेंट करके बताना।